सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कॉपीराइट में क्या चीज़ नहीं आती है। देखिए, कॉन्सेप्ट या आइडिया कॉपीराइट में नहीं आता है। अगर आप सोचें कि अरे मेरा एक कॉन्सेप्ट, चार लाइन का कॉन्सेप्ट लिखा कि जंगल में एक उपग्रह आता है और उसमें से ढेर सारे लोग निकलते हैं और वो पूरे दुनिया पर फैल जाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपने बनाया, इसकी कॉपीराइट नहीं होती है। कॉपीराइट होती है कंप्लीट स्टोरी की। यानी जब आप कॉपीराइट एक्ट के तहत किसी पर किसी के साथ आपका कोई भी कानूनी अड़चन आती है या आप कोई केस दायर करते हैं या आपके बीच में मुकदमा चलता है, तो जज पहले देखता है कि ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो आपकी कंप्लीट क्रिएटिविटी है, किसकी है, आपकी है या दूसरे की है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है जेनेरिक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेनेरिक यानी जो भी कॉमन चीजें हैं, जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आ सकता है, ऐसी चीजों का कॉपीराइट नहीं होता है। तो आप अगर कभी ऐसा सोचते हैं कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखा उसका एक पार्ट किसी ने लेकर के चुरा करके फिल्म बना दिया या गाना बना दिया, ऐसा नहीं चलता है। लोग ये देखते हैं कि आपका कोई की पॉइंट, जो गाने का जान है, जैसे मुखड़ा, वो किसी भी गाने का जान होता है, वो अगर किसी ने चुरा लिया तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। Continue to next part. कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा, कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा, कर कुछ ऐसा सभी बने तेरे जैसा। सोचा है अगर फिल्म इंडस्ट्री में आने का, तो यही वक्त है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।